गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बिरजू पाठशाला। आप सभी का बिरजू पाठशाला चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और सबसे पहले आज जेईई मेन का फर्स्ट पेपर है, तो उनको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट पेपर मींस अभी जेईई मेन के दो पेपर होने लगे हैं, पेपर पैटर्न सा चेंज हुआ है, उसके बाद एडवांस होगा। और कल 8 तारीख है, तो कल यूपीटेट का पेपर है, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी एग्जामिनेशन के लिए। आज मैं अपनी वीडियो में बात करूंगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन का। कोई भी आप जब फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि आप पेपर पैटर्न किस ऑनलाइन फॉर्मेट में देना चाहते हो या ऑफलाइन फॉर्मेट में देना चाहते हो। तो हम इन दो डोटर में हमारे पास ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, मैं इन दोनों के मेरिट और डिमेरिट की बात करूंगा, फिर मैं कंक्लूजन दूंगा अपने बिहाफ। और आप जैसा प्रीफर करो, जैसा आपको अच्छा लगे आप उसको चूज करना, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पे नोट्स सॉर्ट आउट करके ले आ रहा हूँ, तो एक बार फिर से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। तो मैं निकेत मौर्य, और आपको बिरजू पाठशाला पे ऑनलाइन क्लासेज मिल जाती हैं लगभग सभी कोर्सेज की। अभी फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी कोर्स ले आए, और जो लोग ये चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। और हम अपना बेहतर कोशिश कर रहे हैं, सो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा हम लोगों को। और तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑफलाइन के मेरिट्स के बारे में जानूंगा, ठीक है। ऑफलाइन के मेरिट्स के बारे में, तो देखिए सबसे पहले ऑफलाइन में क्या होता है, हम जाते हैं, हमें बुकलेट मिल जाता है, ठीक है, और हमें ओएमआर कलर करना होता है। 2-3 फंक्शन यहां पे होते हैं। तो मींस आल क्वेश्चंस, हमें हार्ड कॉपी में क्वेश्चंस मिल जाता है। ये इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि ऑफलाइन में हमें क्या होता है, हार्ड कॉपी मिलती है, ठीक है। तो जब हार्ड कॉपी मिलेगी तो हमें सॉल्व करने में सहूलियत होगी, क्योंकि होता है क्या है प्रैक्टिस। बचपन से ही हम बुक्स पढ़े होते हैं, कॉपी राइटिंग किए होते हैं, असाइनमेंट लिखे होते हैं, प्रोजेक्ट बनाए होते हैं, तो हाउ टू राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, हार्ड कॉपी से रीड किए होते हैं, तो एक हमारा सहूलियत होता है, हमें हमेशा से प्रैक्टिस बनी होती है और इस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की। तो एक मेंटल लेवल हमारा सेट है कि ऑफलाइन मिलेगा हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, मतलब दिस इज द बेस्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन मेरे हिसाब से, क्योंकि एक फीलिंग आ जाती है कि हमें पेपर मिला है सॉल्व करना है। तो ये मेरा पहला था कि सभी क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी मिलेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे। फिर प्रैक्टिस की बात मैं कर दिया कि बचपन से हमारी हैबिट होती है, हम बहुत सारे एग्जाम्स ऑफलाइन में दे चुके होते हैं, हमारी हैबिट बन चुकी होती है, तो थोड़ा इजी हो जाता है। फिर सेक्शन हो सकता है एग्जामिनेशन में, इंग्लिश हो, हिंदी हो, फिर मेंटल एबिलिटी हो, मैथमेटिक्स हो, मींस देयर आर 3 सेक्शंस हो, तो आप किसी भी सेक्शन को इमीडिएटली ओपन करके आप सॉल्व कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इस वाले को ओपन कीजिएगा, नहीं इस वाले को ओपन कीजिएगा, विद इन 30 मिनट्स आपको बस 20 क्वेश्चन सॉल्व करने, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, इन ऑफलाइन मोड। तो हम किसी भी सेक्शन को इमीडिएटली ओपन कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, अपनी पसंद के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन ट्रिक, अब देखिए मैं जो ट्रिक की बात कर रहा हूं वो ट्रिक ये है, जैसे कि हमें जो ऑफलाइन मोड का पेपर मिलता है, तो बाय द वे ठीक है, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कोडिंग, डिकोडिंग सीरीज, ठीक है। तो सपोज कि एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ए है और यहां पे सी है, फिर यहां पे ई है, ठीक है, आपको नेक्स्ट टर्म बताना है, नेक्स्ट टर्म बताना है। तो जनरली आप क्या करोगे, जहां भी क्वेश्चन गिवन है उसी के आसपास या फिर उसी लेटर को लेके आप यहां पे क्या करेंगे, गैप निकालेंगे। तो गैप कितने का है, +1 का गैप है, ए बी सी, फिर यहां पे डी, फिर ई, फिर एफ, फिर आगे आप टर्म बताएंगे, मतलब यहां पे +1 का गैप है। तो मेरा बेसिकली ये समझाने का मतलब था कि जब ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन जब आते हैं, ए पेपर किस चीज का इसमें नहीं है, सपोज कि अगर आया होता तो जब भी सेगमेंट एंड सीरीज की, कभी कभी आपको आ जाता है जैसे आपका 11, 22, 33, आपको नेक्स्ट टाइम बताना होता है, तो यहाँ पे 11 का गैप आपको दिख रहा होगा इजीली, तो आप बता लोगे। कभी कभी थोड़ा सा हार्ड होता है, कभी कभी आप जनरली ये तो बहुत इजी था, मैंने ऐसे आपको समझाया। तो होता क्या है कि आप ऑन द पेपर इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हमेशा से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, तो आप उसको ऑन द पेपर वहीं पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे मैं सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग की बात किया, मिरर का हो सकता है, ठीक है, और वाटर इमेज जो होता है उसका हो सकता है कि आप ऐसे मोड़ ओड के कुछ ऐसे कर लो,
और जनरली मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं जब ऐसा भी हो सकता है, अभी तो वॉच अलाउ नहीं है, नहीं तो वॉच के ग्लास में भी देख के आप उसको देख सकते हो। अब देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग का क्या मतलब होता है, आप जैसे भी अपना दिमाग दौड़ा सको, लगा सको, आप कैसे उसका आंसर निकालते हो। नहीं तो भी रीजनिंग तो ये है, समझ लीजिए जब एग्जामिनेशन हाल आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो तो आप अपना रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपनी क्लासरूम देख लो, ये भी एक प्रकार की रीजनिंग है। लोग परेशान हो जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि लोग अपनी क्लासरूम तक नहीं देख पाते हैं कि मेरा रोल नंबर इसके कितने कितने गैप में आएगा, तो ये सब एक प्रकार का रीजनिंग है, आपको गैप निकालना, पूरा मेंटल लेवल का ही तो खेल है, ठीक है। तो ये हो गया ऑनलाइन का, अब मैं थोड़ा ऑफलाइन का, अब मैं थोड़ा ऑनलाइन की बात करूंगा, ठीक है। ऑनलाइन के पॉइंट्स को हम समझते हैं, देखिए ऑनलाइन में क्या है, पहली बात ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, अभी मैं बात भी करूंगा, यहां पे बबल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बबल्स की प्रॉब्लम मतलब आपको कोई बबल्स नहीं कलर करना है, ठीक है, और आपके स्क्रीन पे टाइम चलता रहता है, और क्या है इसका, और मार्क्स अनमार्क्स और रिव्यू, और रिव्यू, ठीक है, और बायोमेट्रिक, ठीक है, मैं पॉइंट पहले लिख देता हूं की बात करूंगा, और पेपर सीट, यहां पे लिख देता हूं पेपर सीट, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को समझाता हूं आपको, एक्चुअली ऑफलाइन में मैं यहां पर थोड़ा सा आपको डिमेरिट समझा देता हूं, तो इसको समझाना थोड़ा इजी हो जाएगा। ऑफलाइन का डिमेरिट क्या है, जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो तो यहां पर ये लोग क्या करते हैं, जब आप एग्जाम में बैठ जाओगे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम में आपके पास क्या आते हैं, बायोमेट्रिक कराने आते हैं, ठीक है, उस टाइम में आपके पास क्या कराने आते हैं, सिग्नेचर कराने आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारा 2-3 मिनट लेते हैं, हमारा 2-3 मिनट लेते हैं, और एग्जाम के टाइम कोई इंटरप्ट करता है, कोई भी अगर आपको डिस्टर्ब करता है तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग इधर उधर मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो एक ऑफलाइन का डिमेरिट है कि बायोमेट्रिक बीच में लेते हैं, सिग्नेचर बीच में लेते हैं, तो इससे हमारा कहीं ना कहीं टाइम लॉस होता है और हम डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। और एक डिमेरिट इसका ये है ऑफलाइन का कि बबल्स की प्रॉब्लम, ठीक है, होता क्या है, ओमार शीट कलर करना होता है आपको, जो भी 4 ऑप्शंस होते हैं या 5 ऑप्शंस होते हैं उसमें से, तो बबल्स करने में कई बार जल्दबाजी में बबल्स गलत रॉन्ग कलर हो जाता है, और गलत कलर हो भी गया तो अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो हार्ड कॉपी में है, तो एक बार आपने जो कलर बबल कर दिया वो हो गया, एक चीज हो गया। और मैं बता दूं तो अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो आपको कितना भी फास्ट बबल करने वाला इंसान होगा 5 से 10 मिनट तो लग ही जाएगा, जनरली जिसकी प्रैक्टिस हो तो 20-20 मिनट ले सकता है। तो सोचिए कि एक दो घंटे के पेपर में, मतलब 120 मिनट के पेपर में आपका 20 मिनट बस कलर करने में चला गया, कहीं ना कहीं ये 20 मिनट आपको क्या करना, कंज्यूम करना था, लेकिन ये लॉस हुआ। बाय द वे एग्जाम का एक पार्ट है, लेकिन मैं फिर भी आपको डिमेरिट समझा रहा हूं क्योंकि ये डिमेरिट ही है इसका। फिर हो सकता है हाँ टाइम से डर लगता है, यहां पर डिमेरिट ऑफलाइन का एक और है कि आपको हमेशा एक डर बना होता है, डर कभी कभी तो भूल भी जाते हैं कि 2 घंटा कब आएगा, खत्म तो नहीं हो गया। बाय द वे हो सकता है आपके पास 100 क्वेश्चंस थे, ठीक है, आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया, उसमें मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन थे, आपको पता भी नहीं चला कि आपका 2 घंटा कब चला गया, और आप उसको सॉल्व भी करते रह गए, जब ओमआर कलर करने का टाइम ही है, बस बचा आपके पास कितने मिनट, 10 मिनट। अब 10 मिनट में आप पेपर से इतनी जल्दी जल्दी कलर कर रहे हो कि जल्दबाजी में आपके ओमआर गलत रंग कलर हो जा रहे हैं, हाफ कलर हो जा रहे हैं, फुल्ली नहीं कलर हो रहे हैं, ढेर सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं आपको, आप मतलब हड़बड़ा जाते हो। तो एक डिमेरिट है ऑफलाइन का जो मैंने फील किया है, वो मैं आप आपको बताया। अब ऑनलाइन के मेरिट को समझते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग इस मैटर में कि यहाँ पे आपको कोई बायोमेट्रिक यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम के पहले ही क्लास एंट्री कराने से पहले ही आपको बायोमेट्रिक ले लेते हैं, और टाइम कंज्यूमिंग इन द सेंस आपको बबल्स करने में कहीं टाइम अलग से नहीं लेना है। होता क्या है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है और आप उस क्वेश्चन को क्लिक कर दो, और इतना ही नहीं, उस क्वेश्चन को आप चेंज भी कर सकते हो, उस क्वेश्चन को आप रिव्यू में डाल सकते हो,
और वो सभी चीजें ऐसे गिवन भी होगा मार्क अनमार्क रिव्यू में, मींस क्वेश्चन के नीचे तीन ऑप्शंस बने होते हैं जनरली, किसी किसी एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है लेकिन सहूलियत होती है, कहीं कहीं साइड में बना होगा, ठीक है स्क्रीन के साइड में बना होगा या फिर क्वेश्चन के नीचे ही बना होगा, अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने हैं और फिर कितने अटेम्प्ट नहीं है, कितने रिव्यू में जाएंगे, ये सभी चीजें आपके स्क्रीन पे दिखती है। फिर उसके बाद फिर मैं क्या बोला स्क्रीन पे टाइमिंग होती है, बाय द वे आपका 120 मिनट्स का पेपर है तो ये उल्टी गिनती में चलता रहता है वहां पे कि आपका कितने मिनट्स रिमेंस है, ये इसका एक बेनिफिट है, ठीक है। फिर उसके बाद है मार्क्स अनमार्क्स रिव्यू, जो मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे मार्क्स अनमार्क्स रिव्यू जैसे कॉलम बने होते हैं जिससे आप किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ठीक है। फिर बायोमेट्रिक, देखिए ऑनलाइन के बाय 300 पॉइंट मैं आपको बताया कि सॉरी कि यहाँ पे बायोमेट्रिक का कोई झंझट नहीं है क्योंकि होता है बायोमेट्रिक, लेकिन वो बायोमेट्रिक आपके एग्जामिनेशन के पहले ही आप उसका करा लेते हैं, जब आप क्लास में जाते हो तो आपको सिस्टम अलॉट होता है, और जब सिस्टम अलॉट होता है तो आपका सिग्नेचर वगैरह ये सब चीजें पहले ही करा ली जाती है, बस आपको अगर थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होता है तो ये डिस्टर्बेंस होता है कि आपकी अगर पेपर शीट खत्म हो जाती है तो आपको पेपर शीट दिया जाता है और एक नई और एक निर्देश इंस्ट्रक्शन आपको ये दिया जाता है कि आपको सेशन आईडी नोट करना होता है, तो उसके लिए वो एक आध दो बार बोलते हैं। ऑनलाइन में एक और बेसिक फायदा ये है और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे कोई आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, हॉल जो भी होता है पीसफुल होता है। ऑनलाइन में देने देखा है टीचर्स की अगर दो गाड़ी है तो अक्सर हम लोग थोड़ा ना थोड़ा डिस्टर्बेंस तो क्रिएट कर ही देते हैं, खैर मतलब अगर आपने पॉजिटिव थॉट है तो मेरी इन सब पॉइंट्स को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैं जो फ्री किया मैं उसको बता, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ऑनलाइन के डीमेरिट का, देखिए इसका जितना फायदा दिख रहा है ना उतना डीमेरिट भी है। अब डीमेरिट इसका क्या है, सबसे पहले इसका डीमेरिट यह है कि आप किसी भी सेक्शन में तुरंत नहीं जा सकते, हर बेटर पेपर में ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कि टाइम में बता हुआ हो कि 30 क्वेश्चन मिनट के बाद आपका ये सेक्शन ओपन होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप जिस भी एग्जाम्स के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड चूज कर रहे हैं पहले आप उसके ऑनलाइन के टर्मिनोलॉजी उसके जो भी कंडीशन है आप उसको समझ लीजिए, ऑफलाइन तो आपको पता ही होता है तो आप एक बार उस एग्जाम्स के पैटर्न को समझ ही जाएंगे कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में क्या चेंजेस है वहां पे, क्योंकि एक्स वाई मैंने देखा है वहां पे आपके सेक्शंस बटे होते हैं और उतने टाइम के बाद ही ओपन होता है, चाहे ट्रिपल सी का पेपर हो, ट्रिपल सी में भी शायद ऐसा ही कुछ है, वहां पे भी शायद हाँ वहां पे एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट मिलता है या फिर कुछ मिनट मिलता है, आप उतना मिनट बैठे रहोगे अगर सॉल्व कर लेते तो भी तभी आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, तो ये कुछ चीजें हम ऑनलाइन में डीमेरिट का प्रॉब्लम बनाती है। और देखिए इसका और भी डीमेरिट बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए होता है क्या, आपकी हो सकता है कभी प्रैक्टिस नहीं हो ऑनलाइन का, फर्स्ट टाइम आप सिस्टम पे जाते हो तो हेडक हो सकता है, आई पेन हो सकता है, मतलब फिजिकली अनकंफर्टेबल फील भी कर सकते हैं, हो सकता है आपके लिए बोरिंग हो, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया सभी क्वेश्चन एक साथ साथ आ जाते हैं और प्रैक्टिस बनी होती है बचपन से, तो ऑनलाइन में बचपन से प्रैक्टिस होती है, लेकिन ऑफलाइन में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठ रहे हो सेकंड अटेम्प्ट बैठ रहे हो तो प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार भाग जाइए, क्योंकि दुनिया स्मार्ट हो रही है तो बेहतर होगा कि अपनी स्मार्टनेस को बनाइए, तो मैं तो कहूंगा कि ऑफलाइन में ऑनलाइन में आप जाइए, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार आप साइबर में जाके या मोबाइल चला के अपने आप को देख लीजिए कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो अपनी ऑनलाइन एग्जामिनेशन देख लीजिए, बहुत सारे सोशल साइट हैं जहां पे आपको मिल जाएंगे, और थोड़ा बड़ा हेडक वेडक हो रहा है कि नहीं, आई पेन हो रहा है कि नहीं, इन सब फिजिकली चीजों को आप पहले फील कर लीजिए कि आपको ऑनलाइन में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, बोरिंग तो नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीट मिलती है, ऐसे पेपर तो आपकी स्क्रीन पे होगा वो हार्ड कॉपी मिलेगी नहीं, सॉल्व करने के लिए आपको यूं ऐसे ब्लैंक सीट होगी, ठीक है, और उस ब्लैंक सीट को आपको मिलेगा और उसको सॉल्व करना होगा। अब जैसे मैं आपको बताया मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है, और मेंटल एबिलिटी में जैसे ए बी नहीं है, सी है, डी नहीं है, ई है, ठीक है, ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। अगर इस क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे दिया है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर में डाउन लिखना पड़ेगा, ठीक है, राइट डाउन करना पड़ेगा, फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये चीजें ऑफलाइन में पेपर पे ही हो जाएगा। तो दो तीन चीजें हैं, मैं बोलूंगा कि ऑनलाइन में जाइए, लेकिन दो तीन चीजों को ध्यान रखिए कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो फिजिकली, ठीक है, आई पेन और वगैरह हेडेक जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपकी स्पीड क्या है, ठीक है, और फिर उसके बाद आप कई बार अटेंड किए हो
तो आपको फील हो रहा होगा कि हाँ आपको ऑनलाइन देना चाहिए। तो ये दो तीन जो भी इसमें मैं 8-10 पॉइंट्स आपको ऑफलाइन ऑनलाइन भी समझाया, बेशक आपको समझ में आया होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेकर आऊं। और आप इसको खुद चूज कीजिए कि आपको इसमें क्या लेना था, ऑफलाइन लेना था कि ऑनलाइन लेना था, जैसा आप खुद से आपको फीलिंग आए कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऑनलाइन चूज करना चाहिए, ऑफलाइन चूज करना चाहिए, तो आप चूज कर सकते हैं। तो प्लीज इस बात का ध्यान रहे। एक मिनट, तो फिर उसके बाद इस वीडियो में मैं इतना ही बात करूंगा। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कमर्टिकलाइजेशन। बहुत लोगों ने कमेंट किया है, मैं सोच रहा हूँ 5-10 मिनट की वीडियो में उनके कमेंट्स की रिप्लाई दे दूंगा। तो प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।